या फिर आपने बेल आइकन है प्रेस किया ज़रूर कर लें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। कुछ कमेंट्स लेंगे उसके बाद हम एक स्टॉक पे वीडियो बनाएंगे। अब शेख सांगी साहब ने पूछा, सर आई हैव 3300 शेयर्स ऑफ रुचि सोया एट द रेट ऑफ 7.75, मतलब 7.75 रुपये के हिसाब से, और कोस्टल कॉरपोरेशन के शेयर्स हैं, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के हैं, IOL केमिकल्स के हैं, कामा होल्डिंग का एक शेयर है, कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स हैं, लोमैक्स टेक के हैं, पीडीलाइट के हैं, बजाज फाइनेंस, आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड, बट मुझे इन सब स्टॉक्स में डाउट है। आई हैव अ डाउट ऑन इट। आई हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड आई हैव इन्वेस्टेड 2 लाख रिसेंटली, मैंने 2 लाख अभी इन्वेस्ट किया हुआ है। आई वुड बी वेरी ग्लैड इफ़ यू टेल आई शुड कीप दीज स्टॉक्स और सेल सम ऑफ इट। यानी मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन से रखने चाहिए या कौन से नहीं रखने चाहिए। आई हैव अ गोल ऑफ 20 सालों का, 20 ईयर्स फॉर अ चाइल्ड मैरिज एंड 15 ईयर्स फॉर माई चाइल्ड एजुकेशन एंड 10 ईयर्स फॉर टू बाइंग अ न्यू होम। आई कैन इन्वेस्ट अप टू 10,000 पर मंथ। आई होप यू विल हेल्प मी विद फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। दोबारा फिर उनका कॉमेंट्स है, वन मोर थिंग, आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 1.3 लाख, यानी 1,35,000 बिकॉज ऑफ मोतीलाल ओसवाल, देन आई शिफ्टेड ऑल द रेस्ट मनी टू ज़ीरोधा। आई कांट बेयर मोर लॉस। आई एम ऑलरेडी 33 ईयर्स ओल्ड नाउ। दिस इज माई कंप्लीट सेविंग टिल डेट एंड आई हैव अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू। अभिषेक ने आपने इतने कॉन्फिडेंस और इतने भरोसे, इतने विश्वास के साथ आपने मुझसे ये शेयर किया है, तो ज़रूर मैं आपको पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी तरफ से जो सलूशन मैं आपको दे सकूं मैं बताऊंगा। और अभिषेक जी, पहले जो आपने स्टॉक बताया रुचि सोया, उसी पे मैं बुलिश नहीं हूँ। मैंने आपको बताया कि रुचि सोया का मैंने वीडियो भी बनाया था, हालांकि पतंजलि ने उसको अधिग्रहण भी करने की कोशिश में लगी हुई है, NCLT की तरफ से अप्रूवल मिल गया ताकि जितने भी कर्जदार हैं उनका जो भी बकाया एक अमाउंट पे सेटलमेंट हो के उस कंपनी को टेक ओवर करेगी, जिस वजह से उनके फंडामेंटल्स भी भविष्य में आने वाले, क्योंकि कर्जा बहुत था उस कंपनी के पास। एडिबल ऑयल से रिलेटेड कंपनी है, कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती खाने पीने के तेल वेल वगैरह के। तो रुचि सोया के स्टॉक से पहले नज़र में आपने 3,300 ले रखे हैं, जो कि मैं नहीं चाहूँ, अभी उसका प्राइस करंट जो है 5 रुपये के आसपास है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको इस लॉस में बेचें। लेकिन जब भी आपको ये अपना प्राइस निकलता भी आएगी, ऊपर कंपनी आएगी, फंडामेंटल्स उसके कुछ अच्छे आए हैं, रिजल्ट वगैरह Q4 के, तो आपको भाव मिलेगा ऊपर साइड में 7.75 रुपये के ऊपर, 8 रुपये या आपका प्राइस भी आता तो भी निकल जाइएगा ताकि आपका लॉस ना हो, है ना। बाकी रहे और कोस्टल कॉरपोरेशन पे बने रहिए और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन पे भी बने रहिए लंबे समय के लिए। IOL केमिकल्स इस पे मैं रिव्यू दूंगा क्योंकि अभी ये इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया था, और कामा होल्डिंग्स में मैंने वीडियो नहीं बनाया तो इसके फंडल तो देखने के बाद ही मैं कह सकूँगा, लेकिन आपके पास एक ही स्टॉक है तो अभी फ़िलहाल बने रहिए। कोटक महिंद्रा बैंक भी अच्छी बैंक है और लुमैक्स टेक भी अच्छी बैंक है, हालांकि मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया हुआ, इस पे देखना पड़ेगा। पीडीलाइट पे एक ये भी ज़बरदस्त कंपनी है, और बजाज फाइनेंस भी तो कह मैंने वीडियो बनाया हुआ और बहुत अच्छी कंपनी है, आयशर मोटर भी, अशोक लेलैंड भी, लेकिन ऑटो सेक्टर्स पे भी ज़बरदस्त भारी दबाव है, चाहे टाटा मोटर्स हो तो फिर भी अच्छी कंपनियां हैं लंबे समय के पर्सपेक्टिव से। और मैंने एक पोर्टफोलियो भी 1 लाख का बनाया था, यहाँ पे 1 लाख स्टॉक पोर्टफोलियो, तो ये ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप ये मेंशन कर दूंगा इसका लिंक, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं, और अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग कंपनी के बारे में मैंने बताया है। और भी अगर आप मेरे वीडियोस में जाएंगे तो कुछ अच्छी कंपनियों के बारे में, से बंधन बैंक हो गया और जैसे यहाँ पे बहुत सारे जो भी आपको अच्छे लगे पूरा वीडियो देखिए। क्या होता है कि जनरली लोग थंबनेल देख के ही खरीद लें या फिर उस पर आगे बढ़ जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर एक शर्ट भी दुकान पर लेने जाते हैं तो हम 10 चीज़ देखते हैं कि कपड़ा कैसा है, कलर कैसा है, रंग तो नहीं छोड़ेगा, फट तो नहीं जाएगा, प्राइस दूसरी जगह कहीं सस्ता तो नहीं मिल रहा है, तो कितनी चीज़ें कंपेयर करते हैं तब जाके हम एक शर्ट खरीदते हैं। तो हम एक स्टॉक जिस पर हम लाखों इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए। तो आप एटलीस्ट आपको वीडियो तो देखना है जिस कंपनी के बारे में अच्छे फंडामेंटल्स हैं, मैंने सारे फंडामेंटल्स इवन रिटर्न्स भी मैंने दिखाता हूँ 10 सालों के, 5 सालों के, 2 सालों के, तो वो सब भी मायने रखती हैं, क्या ROC है, क्या रिटर्न ऑन इक्विटी है, क्या कैपिटल है, क्या मैनेजमेंट है। कुछ कंपनियों के मैनेजमेंट बहुत ऐसे भी, यस बैंक में हाहाकार मचा हुआ क्योंकि मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी अंदर उनका मामला रहा, उस वजह से जो है बहुत टूट चुका है शेयर, लेकिन बैंक अच्छी है। और तो चलिए हम आज बात करेंगे आपके ही एक रिकमेंडेड स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, और हम उसकी वेबसाइट पर पहले जानेंगे करती क्या है। कंपनी प्रोफाइल है, कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1986,
आई ओएल केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स इज इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी, मतलब जेनरिक दवाइयाँ मेडिसिन बनाती है, एंड इज सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द ऑर्गेनिक केमिकल्स स्पेस, और एक ऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल करती है, और यहाँ पे वाइड प्रेजेंस अक्रॉस वेरियस थेरेपेटिक एंड कैटेगरी लाइक पेन मैनेजमेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कंसल्स कंसल्सेंट्स एक्सेट्रा। अवर कैपेबिलिटीज आर नर्चर्ड बाय द परस्यूइंग, तो ये डिटेल्स हैं इनकी, अपनी खूबियाँ बताई हुई हैं। तो इस तरीके से इनके जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है केमिकल की, तो मुझे एक नज़र में इस प्रकार से मैंने इनके फंडामेंटल देखे अभी अच्छी लग रही। और फार्मा का भी देखिए, पूरे सेक्टर में अभी बहुत अच्छा कुछ बहुत दबा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी उस सेक्टर में जान आनी बाकी है। आने वाले समय में फार्मा ही एक लंबे समय तक चलने वाला है, ये भी आप मान लीजिए। दवाएं वाएँ का इतना ज़्यादा, इतनी बीमारियां हैं कि दवाओं की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ख़ासकर अब ऐसे में जो ये कंपनी बनाती है ऑर्गेनिक मेडिसिंस और जेनरिक दवाएं, तो ये भारी डिमांड आने वाली भविष्य में। तो जितने भी फार्मा कंपनियां जब एक बार रैली आएगी उन पे, तो ज़बरदस्त सारे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फिर भी हम इस कंपनी के बारे में आज जानेंगे कि किस प्रकार से इनके रिजल्ट्स रहे हैं। और आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 191 पे बीएससी पे 25 जून 2019 को 1:39 पे चल रहा है प्राइस, और लो बनाया था 77 का, और लो से काफ़ी भाग चुका है। हाई था इसका साल का 235 रुपये, और पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से धीरे धीरे चढ़ता हुआ सीढ़ी नुमा, और 100% बाइंग की यहाँ पे लोगों की जो राय है। और मार्केट कैपिटल है 1,082 करोड़ की, ईपीएस है 41 का, पी है 4.57 के, इंडस्ट्री पी है 27 के। तो इस हिसाब से काफ़ी सस्ता स्टॉक लग रहा है। प्राइस टू बुक है 2.28, और यहाँ पे फेस वैल्यू 10 की अभी भी है, और डिलीवरेबल 51% के आसपास, जो कि एक शानदार है। तो इस तरीके से अगर हम इस पर कर्जा वर्जा नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं, फिर हम इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स और एनुअल रिजल्ट्स देखेंगे। देखिए टोटल डेट है इनके पास 257 करोड़ का, चलो ठीक है, थोड़ा सा इतना समझ में आता है। जिनका नेट प्रॉफिट ही इतना आता हो, तो ब्याज व्याज पे लिया होगा तो दे देंगे, इतना कोई बड़ी बात नहीं। अब हम अगर मार्च 2018 से मार्च 2019 यानी ईयर ऑन ईयर पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो नेट सेल्स में जहाँ 287 करोड़ की थी, वहीं मार्च 2019 में हुए 422 करोड़ की, जो कि ज़बरदस्त 46% के आसपास की बढ़त है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे ज़बरदस्त 386% की बढ़त है, और इंटरेस्ट जो है कम हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव में है। जहाँ मार्च 2018 में 15, वहीं हो गया मार्च 2019 में 8 के आसपास, तो 41% के यहाँ पे जो है इंटरेस्ट भी कम हुआ है। और नेट प्रॉफिट जो है इनका ज़बरदस्त, मार्च 2018 में था 11 करोड़ के आसपास, मार्च 2019 में हो गया 101 करोड़ के आसपास, जो कि 784% के आसपास बढ़ाते हैं नेट प्रॉफिट में, सब कुछ लेने देने के बाद जो भी बचता है। और मार्जिन भी यहाँ पे 25% 26% के आसपास है। निसंदेह ज़बरदस्त इनके रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर के, और क्वार्टर फोर के भी हम देख लेते हैं। तो दिसंबर 2018 जहाँ मार्च 2019 में कंपेयर करते हैं, थोड़ी सी 11% की नेट सेल्स में डाउन साइड ज़रूर है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे 15% यानी 16% के आसपास की जंप है, अपसाइड है। और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे 23% की अपसाइड है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी यहाँ पे 8.88% की अपसाइड है, जो कि इनके रिजल्ट्स बेहतरीन हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम चलते हैं, तो प्रमोटर्स के पास भी बेहतरीन होल्डिंग है 41% की, और कोई भी शेयर यहाँ पे गिर भी नहीं है, एक बहुत ज़बरदस्त बात है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इसमें 10, जो कि 1.76% की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड्स हैं 4। और इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आयुल फार्मा हैज़ नॉट पेड एनी डिविडेंड इन द लास्ट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, मतलब 10 सालों से ये डिविडेंड पे नहीं कर रही है। तो डिविडेंड में जनरली हम लोग दो चीज तरीके से एक समझते हैं, एक तो होता है कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, वो कुछ लाभांश अपने डिविडेंड के माध्यम से अपने इन्वेस्टर्स को देती है, कुछ कंपनियां नहीं देती हैं, वो अपना एक्सपेंशन के लिए उसी में लगाती हैं। तो हो सकता है इनका भी यही मोटो रहा हो, इस वजह से डिविडेंड नहीं पे कर रही हैं। टॉप सेगमेंट्स में 58% की ड्रग्स और केमिकल से 40% की इनको आया है, और अपनी इंडस्ट्री में 26 नंबर पर हैं। तो डिविडेंड ना दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी ख़राब है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और रिटर्न वाइज अगर हम चलते हैं, तो 10 वर्षों के जो रिटर्न हैं वहाँ पे 214% के आसपास हैं, और 5 सालों में भी करीब करीब 288% की, 4 सालों में 162% की, 3 सालों में 38% की रिटर्न है, और 2 सालों में 270% की ज़बरदस्त रिटर्न है, 1 साल में भी 121% की ज़बरदस्त रिटर्न है। ईयर टू डेट 14% के आसपास रिटर्न है, 6 मंथ में भी 15% के
मंथ में 4% के आसपास, लेकिन 1 मंथ 1 वीक में नेगेटिव साइड है, और 1 डे में भी 3% की उछाल है। तो रिटर्न्स बहुत बुरे नहीं, बहुत अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं हैं। रिटर्न्स आपको मिले, आपने पैसा लगाया, तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा कहीं इन्होंने जो है नेगेटिव में तब्दील कर दिया है। इन्होंने कुछ ना कुछ रिटर्न दिया है, 2 सालों में तो ज़बरदस्त दिया है, और 5 सालों में भी अच्छा है। 200% फिक्स डिपॉजिट वाला रेट तो मिल ही गया आपको, और 5 सालों में, 10 सालों में, और 5 सालों में बेहतरीन 300% का रिटर्न क्या चाहिए, 3 गुना पैसा कर दिया आपका। तो बेहतरीन एक फार्मा की कंपनी, जबकि बहुत ज़्यादा दबाव है ऐसी कंपनियों पर, फार्मास्यूटिकल्स पे, लेकिन अब इनकी रैली आने वाली है भविष्य में, निकट जल्द ही। तो एक बेहतरीन कंपनी लग रही है जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल, जिस हिसाब से इनके वेबसाइट में मेंशन किया हुआ है। तो आपने अभिषेक जी अच्छी कंपनी एक चूज़ की हुई, इसमें बने रहिए, मैं तो यही कहूँगा। और बाकी आपने इस प्रकार से कॉमेंट किया, थैंक्स फॉर, आपने इतना भरोसा जताया। और वीडियो हमारा ज़रूर देखेगा, और हमारे वीडियोज़ देखते रहिएगा, समय समय पर हम और भी अच्छे पोर्टफोलियोज़ बनाते रहेंगे, और अपने सारे सब्सक्राइबर्स को गाइड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।